Hello friends and students, in today's video session I am going to discuss about the concept of interpleader suit. Kya hota hai ye interpleader suit? So dear friends, is concept ko main ek practical example se samjhata hun. Aise se assume kijiye ke three persons hain A, B and C. यहाँ पर एक पर्सन जो ए है उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, से फॉर एग्जांपल उसके पास प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी है. बी ये कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है. सी कहता है नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है. अब ऐसे सिचुएशन में ए जो कि प्लेंटिफ है वो ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन वो ये चाहता है कि ये प्रॉपर्टी इन दोनों में से जिसकी भी है उसको मिल जाए. तो ये प्लेंटिफ एक सूट कोर्ट में लेकर आता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि सर आई एम नॉट द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू बी गिवन टू द रियल क्लेमेंट. उसमें चाहे बी हो चाहे वो सी हो, जो भी उसका रियल ऑनर है वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए. लेकिन वो कहता है कि सर इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो भी मेरी कॉस्ट लगेगी वो मुझे दे दी जाए. तो कोर्ट ऐसे सूट को जब अंडरटेक कर लेती है उसको इंटरप्लीडर सूट कहा जाता है. तो यानी कि प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है, वो उसका ऑनर नहीं होता, वो ये चाहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो रियल ऑनर्स हैं उनके पास चली जाए. लेकिन कुछ डिफेंडेंट्स हैं जो प्लेंटिफ से उस प्रॉपर्टी से क्लेम करते हैं, वो कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसके हकदार हैं. तो सूट फाइल होने के बाद अगर कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को उस सूट से एक्सपेल कर सकती है और ये लिटिगेशन फाइनली दोनों डिफेंडेंट के बीच में कैरी फॉरवर्ड होगा. क्योंकि डिस्प्यूट ए का बी और सी के साथ नहीं है, डिस्प्यूट बी और सी का आपस में है, क्योंकि वो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनको बिलोंग करती है. तो कोर्ट चाहे तो तीनों पार्टीज को जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए उनको कंटिन्यू कर सकती है, और अगर कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को इस प्रोसीडिंग्स में से ड्रॉप करके दोनों जो डिफेंडेंट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इस सूट को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है. Now, if suppose any suit is pending between these two defendants, यानी कि already कोई suit इन दोनों defendants के बीच में already pending था, तो ऐसे situation में जो interpleader suit है वो lie नहीं करेगा. So, this is a concept of interpleader which is mentioned in section number 88 of CPC. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये video session अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये video session अच्छा लगा है तो आप इसको like, share और subscribe ज़रूर कीजिए. आपके इनपुट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं. मिलते हैं नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. थैंक यू सो मच.